बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, उसके हवाले से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़ी थी। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको हमने समझना है कि इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। वो है दी मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, आज़ादाना गिरते हुए अजसाम की मोशन। कि अगर हम किसी जिस्म को आज़ादाना तौर पर ऊपर से नीचे की जाने फेंकते हैं तो उसकी मोशन को अगर हम नोटिस करें तो उसमें क्या क्या हमें फ़र्क वाज़े नज़र आते हैं। तो इसके बारे में हमने बात करनी है कि इसका क्या मतलब हुआ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, इसने सबसे पहले नोटिस किया कि कोई भी जिस्म यानी कि बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, वो तमाम अजसाम जिनके मासेस मुख्तलिफ हैं, मतलब कोई हल्का है कोई भारी है, हर किस्म का बॉडी जिनके मासेस डिफरेंट हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की जानब उनको फेंकते हैं, दे रीच एट द सेम टाइम वो एक ही वक्त पर एक ही टाइम पर ज़मीन पर या ग्राउंड पर पहुंचते हैं। इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट भी किए। ये एक पीसा, एक इसको कहते हैं लीनिंग टावर है, झुका हुआ मीनार, लीनिंग टावर यानी कि इसको कहते हैं झुका हुआ मीनार। अब इसके ऊपर जाकर इसने मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए, मतलब कभी भारी जिस्म को कभी हल्के जिस्म को, किसी का मास ज़्यादा है किसी का बराबर है, उसको मुख्तलिफ एंगल के साथ ऊपर से नीचे की जाने फेंका। तो इन सारे तजर्बात में उसे नज़र आया कि वाकई ऐसा ही है कि जितने भी अजसाम हैं अगर उनके डिफरेंट मासेज हैं, मासेज हालांकि उनके मुख्तलिफ हैं, उनमें एक जिस्म भारी है या दूसरा हल्का है, अगर उसको एक ही वक्त में ज़मीन पर फेंकते हैं तो वो एक ही टाइम पर ज़मीन के ऊपर पहुंचते हैं। इसके बाद इन्हीं फ्रीली फॉलिंग मोशन ऑफ बॉडीज इसको देखते हुए उसने इंट्रोड्यूस कराया ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन को, एक और टर्म उसने इंट्रोड्यूस करवाई ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन क्या है, और अगर हम इसकी डेफिनेशन करें कि ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन से क्या मुराद होगा, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज आज़ादाना गिरते हुए अजसाम का जो एक्सलरेशन होगा उसको ही ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन का नाम दिया गया। और आमतौर पर हम इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोटेड बाई स्मॉल जी, इसको स्मॉल जी के साथ ज़ाहिर किया जाता है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन को। और इसकी वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, क्योंकि एक्सलरेशन का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है, इसकी वैल्यू जो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे पहले इसकी वैल्यू लिखी जाती थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब इसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखा जाता है। अब अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन यानी कि अगर इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करें स्मॉल जी को या ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन,
ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी कि जमीन की कशिश की वजह से भी जो एक्सलरेशन होता है उसको भी हम ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन का नाम देते हैं। अब क्योंकि इसका इनहसार जो होता है जमीन की कशिश की वजह से होता है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू एक जगह पर सेम नहीं रहती। अगर हम जमीन से ऊपर की जानब जाते हैं इसकी वैल्यू कम होती है, अगर हम ऊपर से नीचे की जानब आते हैं जमीन की तरफ आते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। या हम कह सकते हैं वो जिस्म जो ऊपर से नीचे की जानब आते हैं उसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, यानी कि बॉडीज फॉलिंग डाउन, नीचे की जानब आते हुए जिस्म, वहां पर जी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब वैल्यू बढ़ रही होती है। और इसी तरीके से बॉडीज मूविंग अपवर्ड, बॉडीज मूविंग अपवर्ड, वो अजसाम जो जिनको ऊपर की जानब फेंका जाता है क्योंकि वो ज़मीन से दूर हो रहे होते हैं, इसकी वजह से जी की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जी की वैल्यू जो होती है सतह समंदर के ऊपर कम होती है, पहाड़ों के ऊपर कुछ और होती है, चांद के ऊपर कुछ और कीमत होती है। क्यों? इसका डिपेंड जो होता है ग्रेविटी के साथ होता है, ज़मीन की कशिश की वजह से होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी आपने सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।